आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है इंडियन मिनी पोटैटो फ्राइज। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 आलू। हम इसकी स्किन पील कर लेते हैं। इस तरह से स्किन पील कर लेने के बाद हम इसके वर्टिकल स्लाइसेस कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ए शेप में कट कर लीजिए सभी पोटैटोस को। देखिए इस तरह से पीसेस आप कट करके रख लीजिए। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। देखिए इसका साइज देखिए आप। इस तरह से ए साइज में सभी पोटैटोस को कट कर लीजिए। इस तरह से क्यूब्स में कट करके पानी में डाल के इसे रख लेते हैं। डीप फ्राई के लिए पैन में ऑयल को हीट कर लेते हैं। ऑयल हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हम पोटैटोस को डीप फ्राई कर रहे हैं। इसे अच्छे से हीट होने दीजिए। फ्राई करने से पहले पोटैटोस को फ्रेश वाटर से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, तभी हमारे पोटैटोस अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल हीट हो चुका है, अब मैं पोटैटोस को डाल देती हूँ। इसे छोटे छोटे बैचेस करके फ्राई कीजिए, ओवरलोड मत कीजिए। इसे ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। देखिए पोटैटोस का कलर चेंज हो रहा है। जब इनका कलर और थोड़ा पिंकिश हो जाएगा तब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसे और थोड़ा फ्राई होने दीजिए। ये अच्छे क्रिस्पी बन रहे हैं। देखिए इस तरह से एक कलर आने तक आप इन्हें फ्राई कीजिए। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। टिश्यू पेपर रख के आप एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए। ऐसे ही करके सभी पोटैटोस को बैचेस बैचेस में फ्राई कर लीजिए। हमारे इंडियन मिनी पोटैटो फ्राइज फ्राई होके तैयार हैं। देखिए ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।